एक क्लाइंट ने कहा कि बहुत सारा टाइम ये कम्युनिकेशन में जा रहा है, तो उसी एक थॉट प्रोसेस पे ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप उनमें से हैं जिनका कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बना है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं तभी उस पर रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। आज हम उसी एक पॉइंट पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये बिजनेस कम्युनिकेशंस हमारे बिजनेस को और बेहतरीन बनाते हुए कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम हासिल कर सकें। जैसे ही आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, आप देखते हैं आपके कोलैबोरेशंस, आपके रिलेशनशिप्स ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के जरिए कैसे वो कम्युनिकेशन शॉर्ट टाइम में बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लाए, जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो और आपका बेटर टीम वर्क सामने आए, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज हम डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह से आप इफिशियंट कम्युनिकेशन सामने ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होगी ऑब्जेक्टिव्स। जिस चीज़ के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं उसका जो आउटकम है क्या वो क्लियर है। उस एक कम्युनिकेशन के बाद जो आप उनसे चाहते हैं कि ये वाली चीज़ एज ए रिजल्ट हमें मिल जाएगी, क्या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या आप उसको विजुलाइज कर चुके हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हैं आपके एरिया में, आपके ऑब्जर्वेशन में, और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी और चीज़ को ध्यान में रखते हुए, दोनों चीज़ें अलग अलग रूप से आपके सामने आएगी। तो हमें क्या करना होगा, जब भी आप कोई चीज़ को कम्युनिकेट करें पहले आप विजुअलाइज कर लें कि इस कम्युनिकेशन के बाद क्या हासिल होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, आप सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बस उसके बाद आपको देखना है राइट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सामने वाला इंसान कौन से मीडियम से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ईमेल से, टेक्स्ट मैसेज से, व्हाट्सएप से, या कॉल से, या हैंड रिटन नोट से, आपको देखना होगा। क्योंकि जब आप उस चीज़ को उनके हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे तब वो उसे सही से समझ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर अ कॉल आप उन्हें कह देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, लेकिन उस वक्त उनके ब्रेन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सबसे पहले एक सवाल पूछें कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या ये सही समय है बात करने का, क्या इस पॉइंट पे भी बात की जा सकती है। ये अगर सही सवाल के साथ आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है तो वो बेटर रीच उस कम्युनिकेशन को मिलती है। उसी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। आपको आपकी लिसनिंग क्वालिटी को बेहतरीन बनाना होगा, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करते वक्त लिसन नहीं कर रहे हैं, वापस उनसे सुन नहीं रहे हैं कि उनके क्या डाउट्स हैं, उन्हें क्या समझ में नहीं आया, और आप अपने ही दूसरे चीज़ों में खो गए हैं। होता है ऐसा बहुत बार, जिसमें आपने कुछ बता दिया है और वो कुछ पूछ रहे हैं और आप किसी और काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके मोबाइल में, आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे, और आप कहते हैं हाँ 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 सही है, ओके ओके, और जो कुछ उस इंसान को समझ में आता है वो उसे वैसा का वैसा समझ के उस काम को पूरा करता है, और इवेंचुअली वो काम हमें वापस रिपीट करना पड़ता है। तो अगर ऐसी तकलीफ हमें आ रही है तो उसे कैसे आप दूर कर सकें वो देखें। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर बिजनेस कम्युनिकेशन के दौरान हमारा टाइम वेस्ट होता है। जो जो चीज़ें डिपेंडेंसी के साथ शुरू हो रही है, उन चीज़ों को ऑटोमेट करने के बारे में सोचिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचिए। डिपेंडेंसी कैसे, कोई एक चीज़ किसी एक जन से फ़ोन करके लेना है और फिर जा कर के उस पर बात होगी, तो अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं है तब आपका वो काम रुक जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं 4 अलग अलग फैक्ट्रीज को आज मैनेज कर रहा हूँ, टेक्सटाइल्स के, हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हर फैक्ट्री से जो डिलीवरी है वो अलग अलग टाइम पे, जहाँ पर जो लॉट रेडी हो गया है वो डिस्पैच के लिए रवाना हो जाता है। अब जब भी वो डिस्पैच के जाता है, हमारा एक बिल नंबर सिस्टम है कि जो डिस्पैच पे बिल नंबर जाएगा, जिसे हम बेल नंबर कहते हैं,
वही हमारा बिल नंबर होगा। अब क्योंकि चार अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उन चारों अलग अलग फैक्ट्रीज से वो बिल नंबर लेना है, वो बिल नंबर लेना है, तो कोई ना कोई एक पर्सन फिक्स आपके ऑफिस पे चाहिए। अब एक पर्सन को हम रखें जो सिर्फ वो बिल नंबर देंगे, ये तो वर्थ नहीं है। तो उस प्रोसेस को हमने ऑटोमेट किया, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लास्ट नंबर चल रहा है उसके अगला नंबर आप लेते रहिए। पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब वो मैनेजर को फ़ोन करता था, वो कहता मैं बाहर हूँ, ऑफिस में फ़ोन करो, उनका मुझे फ़ोन आता था, आप ऑफिस में हो क्या, नहीं मैं भी बाहर हूँ। फिर मेरे पापा को फ़ोन, आप ऑफिस में हो क्या, नंबर चाहिए, बिल नंबर चाहिए। और इस चीज़ से 3 महीने तक हम परेशान थे कि कैसे करें, वो वेट कर रहे हैं, वो डिस्पैच नहीं भेज पा रहे हैं। तब जा करके उसको ऑटोमेट किया। अगर आपके ऑफिस में, आपके सिस्टम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो कम्युनिकेशन की वजह से पेंडिंग पड़ रही है, तो उसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और आपके कम्युनिकेशंस को जितने हो सके उतने सिंप्लीफाइड कर दीजिए। ग्रुप्स हम बना देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम करते रहते हैं, इसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन डिले होता रहेगा। जितना आप टेक्स्ट मैसेज करके आपके वर्ड्स में लिखना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे वो रिकॉर्ड में भी रहता है, प्लस सामने वाला इंसान क्लियरली समझ लेता है। तो जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड, डिपेंडेंसी कम वाला करना शुरू कीजिए। और आपके साथ साथ जो भी आपके स्टाफ हैं उनकी लिसनिंग क्वालिटी डेवलप कीजिए कि जब भी आप कोई बात कर रहे हैं अपने मोबाइल को, सभी चीज़ों को साइड में रख के आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, तो वो बदलाव आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सिस्टम्स में आप देख पाएंगे। तो छोटा सा शॉर्ट चेंज आप करके देखिए और क्या बदलाव आपको महसूस होता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसे बिजनेस ओनर आपके फ्रेंड हैं जिनके यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर के आपने चैलेंजेस को महसूस किया था, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि एक छोटी टिप उनकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन बना दे। अगर आपको लगता है कि किसी बिजनेस ग्रुप में इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर बटन पर क्लिक कीजिए। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स पर क्लिक कीजिए, सवाल आपका पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ इस वीडियो से थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है तो लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा उत्साह बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है। Oh.